क्लास 9th और 11th का इंटरेस्टिंग टॉपिक वेग। इंग्लिश में उसको वेलोसिटी कहा जाता है। आखिर में वेलोसिटी क्या है? हिंदी में उसको वेग कहा जाता है। तो सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में करता है। यानी डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे मैं अगर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा स्पीड नहीं कहा जाएगा उसको, अब तब हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ ये बढ़ रहा है, तो यहां पे स्पीड में जब डायरेक्शन लग गया तो स्पीड ही क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड ही वेलोसिटी है। क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड हो गया, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसीलिए स्पीड क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। यही आपको याद रखना होगा कि स्पीड ही वेलोसिटी है लेकिन उसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाने के चलते स्पीड अलग हो जाएगा और वेलोसिटी अलग हो जाएगा। यानी वेलोसिटी का डिफिनेशन होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी एक मैन है और वह ईस्ट में मोशन कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां पे उसका स्पीड ही वेलोसिटी कहलाएगा क्योंकि डायरेक्शन उसका फिक्स है। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड जैसा ही है लेकिन यहां डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखना गलत है, ये लिखना गलत है। ये फॉर्मूला होगा स्पीड का, लेकिन स्पीड ही क्या बन जाता है? वेलोसिटी। और क्यों बन जाता है? क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, और जब भी डिस्टेंस में डायरेक्शन हो जाए तो डिस्टेंस ही क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। आपको याद रखना होगा कि जब भी डिस्टेंस में डायरेक्शन एक फिक्स हो जाए तो डिस्टेंस ही क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डी बाय टी। यानी वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर हो रहा है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो जब भी डिस्टेंस में डायरेक्शन मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट रखेंगे और टाइम सेम रहेगा, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एसआई यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी कि वेलोसिटी का और स्पीड का दोनों का एसआई यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए भी के ऊपर हम एरो देंगे। यानी पहचानने का एक आसान तरीका है, अगर नॉर्मल भी लिखा है तो समझिए कि स्पीड है,
और वी के ऊपर एरो है तो समझिए कि वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। जो भी आपको समस्या होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला वीडियो हम लेकर आएंगे वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आखिर में, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।